गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज मैं आप लोगों को हाउ टू इंस्टॉल विंडो सर्वर 2012, कैसे हम विंडो सर्वर को इंस्टॉल करेंगे ये मैं बताता हूँ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने ये वर्चुअल बॉक्स जो हमारे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो इस वर्चुअल बॉक्स को आपको डाउनलोड करना होगा, जो भी नया लेटेस्ट वर्जन होगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसी वर्चुअल बॉक्स की सहायता से हम जो है विंडो सर्वर 2012 को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। कुछ पहले ये देखिए, ये आपका इसका ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर करके लेके आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो हमें एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, जिसके लिए हमें इस ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स का यूज करना पड़ा। तो यहाँ से हम न्यू पे जाएंगे, क्योंकि न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए न्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पे नेम कहेगा, इसमें हमें क्या है सर्वर का नाम देना पड़ेगा, आपको वर्चुअल मशीन का नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम देता हूँ सर्वर 2012, मैंने इसमें नाम दे दिया इसका नेम। ये हमारे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वर्चुअल नेम यहाँ पे आप दे दिया, वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया। इसके बाद जो मशीन फोल्डर है, इसमें ये मशीन फोल्डर है, कहाँ आप इसको पाथ चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हो, डी किसी पे हो, किसी और ड्राइव में भी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद टाइप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी किस ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, ये हमें देखना होगा। यहाँ पे यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सिलेक्ट कर ले, और किस और ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल्ड करना चाहते हैं। तो देखिए 64 वर्जन होता है, तो नीचे आते हैं, तो ये आपका 2012 ये रहा 64 बिट का, ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, क्योंकि 2012 भी आपको इंस्टॉल करना है 64 बिट। ठीक है, और सर्वर नेम आपको हो गया सर्वर 2012, हमने नाम दे दिया इसका विंडो सर्वर 2012। ठीक है, या इसका नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, और इसको हम 20 हटा दें यहाँ से, तो सर्वर 12 करके नाम आ जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल से विन, विन सर्वर, या स्पेस ना दें, विन सर्वर 12 करके हमने ये यहाँ पे नेम दे दिया। और मशीन फोल्डर जो भी जिस फोल्डर में इंस्टॉल्ड होगा, देखिए आपको बना ना यूजर्स COM386 जो नेम है कंप्यूटर्स का, एंड वर्चुअल बॉक्स वीएम बना हुआ है, तो इसमें जाके सारी फाइलें आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जिस ऑर्गेनाइजेशन का है उसको हमने किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है बिन सर्वर 2012, तो बिन सर्वर 12 हमने करा हुआ है यहाँ पे, और इसके बाद इसको हमने नेक्स्ट कर देना है, ये हो गया। इसके बाद ये विंडो 2012 यहाँ से हमें ये हमने कर दिया, फिर इसको हम नेक्स्ट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए ये मेमोरी साइज आपसे मांग रहा है, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें 2048 है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, मैं इसको 3 GB कर रहा हूँ। ठीक है, ये 3 GB मैं इसको कर दे रहा हूँ यहाँ से, 3 GB में 3072 लगभग इतना आएगा, क्योंकि 1024 होता है आपका, 1024 को आपको 3 बार करना है, तो 1 GB पे 1024 होता है, तो 3 पे कितना होगा, 3 GB रैम मैं यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, 3 GB मैं इसको अलाट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 GB पे आपका 1024 × 3 करेंगे, 1024 × 3 आपका कितना हो जाएगा, 3072। देखिए ये मैंने यहाँ पे कर दिया है लगभग। ठीक है, तो मेमोरी साइज तो मिनिमम देखिए 512 चाहिए होता है, लेकिन हमारा सिस्टम वर्क प्रॉपर नहीं करेगा, तो सिलेक्ट द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन मेगाबाइट टू बी एलोकेटेड टू द वर्चुअल मशीन। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को आपने जो रैम दे रखी है वो कितना है, 3072 में 3 GB, इसके बाद अब देखिए हार्ड डिस्क आपकी एक बन के यहाँ पे आएगी, जैसे हार्ड डिस्क आती है यहाँ पे, एक हम यहाँ पे एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है,
तो जो रिकमेंडेड साइज है हार्ड डिस्क की वो 50 GB कह रहा है, ठीक है। तो 50 GB ही हम यहाँ पे इशू करेंगे, इसको हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, देखिए ये हमारा ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स डिस्क इमेज बन के आएगा, इसको सिलेक्ट ही रहने देना है। लिखा है कि प्लीज चूज द टाइप ऑफ फाइल दैट यू वुड लाइक टू यूज फॉर द न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, इफ यू डू नॉट नीड टू यूज इट विद अदर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यू कैन लीव दिस सेटिंग अनचेंज्ड, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमारे इसको वैसे ही कर रहेंगे, इसको नहीं हटाएंगे, इसको सिलेक्ट रहने देंगे, नेक्स्ट में जाएंगे तो कह रहा है कि हाँ इसको डायनेमिकली एलोकेटेड है, इसको भी हम ऑलरेडी सिलेक्ट रहने देते हैं, नेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ से फाइल लोकेशन वगैरह कह रहा है ये, और ये आपसे मांग रहा है कि कितना 50 GB यहाँ पे सिलेक्ट है हमारा, 50 GB 2 GB की हमारी मेन हार्ड डिस्क है यहाँ पे 2 GB की, और 50 GB यहाँ हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं। तो कह रहा है सिलेक्ट द साइज ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क इन मेगाबाइट, दिस साइज इज द लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ फाइल डेटा दैट अ वर्चुअल मशीन विल बी एबल टू स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क। देखिए 50 GB का हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, 50 GB का वैसे तो 32 GB मिनिमम आपकी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है विंडोज सर्वर 2012 में, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 50 GB कर रखा है अच्छा अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो इसको हम 50 GB क्रिएट करते हैं, ठीक। ये आपकी जो वर्चुअल मशीन है ये देखिए यहाँ पे क्रिएट हो गई, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको स्टार्ट में जाएंगे। तो जैसे ही स्टार्ट में जाते हैं ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, ये यहाँ से ये हमारा सीओडी, एक हमारा सीओडी खुल के आएगा, सीओडी रोम, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी आईएसओ फाइल कह रहा है प्लीज सिलेक्ट अ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क फाइल ऑन अ फिजिकल ऑप्टिकल ड्राइव कंटेनिंग अ डिस्क टू स्टार्ट योर न्यू वर्चुअल मशीन फॉर्म, द डिस्क शुड बी सुटेबल फॉर स्टार्टिंग कंप्यूटर फॉर्म एंड शुड कंटेन द ऑपरेटिंग सिस्टम यू विश टू इंस्टॉल ऑन द वर्चुअल मशीन इफ यू वॉन्ट टू दैट नाउ, कि द डिस्क विल बी इजेक्टेड फ्रॉम द वर्चुअल ड्राइव ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम यू स्विच द वर्चुअल मशीन ऑफ, बट यू कैन ऑल्सो डू दिस नीडेड यू यूजिंग द डिवाइस। तो यहाँ से हम अपनी उस आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारी आईएसओ फाइल पड़ी है, ठीक है। ये हम आईएसओ फाइल देखिए हमारी पड़ी हुई है, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके चूज करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एमपी में जाके इसको हम स्केल मोड में कर लेंगे, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन में आपका आ जाएगा, बड़ा कर देते हैं। देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा सिलेक्ट है, आई टाइम करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट है, कीबोर्ड और इनपुट सिलेक्ट है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट में, फिर यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। सेटअप इज स्टार्टेड, थोड़ा सा समय लेगा, यस। अब यहाँ पर हमें देखना होगा विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड इवेल्युएशन हमें यूज करना है, तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि 64 का ही है, हमें इसमें उस समय हमें ग्राफिकल बेस हमें यूज करना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड करते हैं तो हम सिर्फ दो ही वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे, दो से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसमें जो है एक आपका होता है डेटा सेंटर इवोल्यूशन, लेकिन सर्वर कोड का है, हमको यूज करना है ग्राफिकल बेस पे। तो अगर हम डेटा सेंटर इवोल्यूशन यूज करते हैं तो हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, तो मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। दिस ऑप्शन यूजफुल व्हेन जीयूआई इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल टू प्रोवाइड द बैकवर्ड कैपेबिलिटी फॉर एन एप्लीकेशन दैट कैन नॉट बी रन ऑन अ सर्वर कोर इंस्टॉलेशन। तो अगर सर्वर को इंस्टॉलेशन करते हैं तो कोई भी बैकवर्ड कैपेबिलिटी अगर आप चाह रहे हो एप्लीकेशन प्रोवाइड करना तो फिर आप इसमें नहीं कर पाओगे सर्वर कोर इंस्टॉलेशन में। ऑल सर्वर रोल्स एंड फीचर्स आर सपोर्टेड, यू कैन स्विच टू डिफरेंट इंस्टॉलेशन ऑप्शन लेटर, तो देन विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन ऑप्शन, यानी कि विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन ऑप्शन मतलब कि आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंस्टॉलेशन यहाँ पे करना है। नेक्स्ट में करेंगे,
देखिए लाइसेंस, दीज लाइसेंस सम आर एग्रीमेंट बिटवीन द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन बेस्ड ऑन वेर यू लाइव ऑन इट्स एफिलिएट एंड यू। देखिए अपडेट्स में है, इंक्रीमेंट्स में भी है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं, सपोर्ट सर्विसेज हैं, इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे तो कस्टम में क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे कितना दिया था, 50 GB का टोटल स्पेस हमने दे रखा था यहाँ पे इस इसमें। तो अगर हम इसमें खैर अगर हम 2012 R2 कर रहे होते तो यहाँ पर हमें वो एक ऑप्शन देता, एक नया ऑप्शन देता यहाँ से न्यू में जाने का कि नया आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट करता हूँ। ये हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये कंप्यूटर विल बी रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स। ये सेवरल टाइम्स रिस्टार्ट हो गई तो ये थोड़ा टाइम लेगा। देखिए कॉपी विंडोज फाइल इसने भी कर दी है तो तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन जो हमारा है वो लगभग कंप्लीट होने को है, 92-93% लगभग हो गया, कुछ समय और लेगा और ये इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सेटअप हमने चला रखा है विंडोज सर्वर 2012 का, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट हमने की थी उसके बाद फिर हमने विंडोज सर्वर 2012 को इंस्टॉल किया जैसे कि आपने देखा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि हमारी वर्चुअल मशीन थी सर्वर 2012 अभी रनिंग में है। देखिए रनिंग में क्या है क्योंकि हम सर्वर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि विंडोज सर्वर 12 विन सर्वर 12 नाम से हमारा नेम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 2012 64 बिट का हमने यूज कर रखा है। मेमोरी 3 GB की मेमोरी हमने ले रखी है और बूट ऑर्डर में अगर देखें तो फ्लॉपी है, ऑप्टिकल है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो आप देख रहे हो ये नेस्टेड पेजिंग हाइपर बी पैरा वर्चुअलाइजेशन हमने यूज करें, आप वीडियो मेमोरी देखिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसका, ये देखिए ये हमारा सिस्टम जो है आपका रिस्टार्ट होगा, इंस्टॉलेशन फीचर भी कंप्लीट हो गए, इंस्टॉलेशन अपडेट टच फिनिशिंग अप, ये आपका 2 बार लगभग सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा इसमें। ये सिस्टम हमारा रिस्टार्ट होगा, कोई भी हम इसमें प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो फिर से सेटअप स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पे विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं। ये देखिए अब ये आपको विंडो सर्वर आगे बढ़ता हुआ गेटिंग डिवाइस रेडी, देखिए गेटिंग डिवाइस रेडी 77% हो गई है, ये हमारा 100% डिवाइस आपकी रेडी हो गई, अभी ओपन होगा रेडी करी गई है। वर्चुअल बॉक्स 6.1 हमने यूज किया है, इंस्टॉलेशन
थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम तो लग रहा है। ये देखिए यहाँ से हमारे यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पर पासवर्ड असाइन कीजिए। ये हमने पासवर्ड अब इसको वेरीफाई कराइए। और यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए। मैंने कहा था दो बार आपका सिस्टम जो है रीस्टार्ट होगा, टू टाइम्स रीस्टार्ट हुआ था आफ्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। ये आपकी सेटिंग फाइनलाइज कर रहा है, मैंने इसमें पासवर्ड एंटर करा दिया है। अब इसके बाद आपको ये विंडो सर्वर का जो आईडी है वो ओपन होगी। ये देखिए ये आपका विंडो सर्वर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल डेल ये प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ से एडमिशन पासवर्ड को लॉगिन करेंगे। अब हमारा विंडो सर्वर जो आपका प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट होगा। ये देखिए विंडोज सर्वर 2012। ये सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है आपका, जैसे कि इससे पहले भी आप देख चुके हैं सारा कुछ, मैंने इंस्टॉलेशन के बाद आपको बताया था, लेकिन मैंने आज आपको इंस्टॉलेशन बताया है कि कैसे सर्वर आपका इंस्टॉल होगा। ये देखिए आपका सर्वर यहाँ से पूरा कॉन्फिगर दिस लोकल सर्वर ये सारा आपका इंस्टॉल हो चुका है। सारे फीचर्स धीरे धीरे आपके लोकल सर्वर आल सर्वर सारा कुछ यहाँ पर आ गया। ये रिफ्रेश बटन है जिससे आप सर्विसेज को रिफ्रेश करा सकते हैं। ये लोकल सर्वर है या आपका आल सर्वर है, ये आपका सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है जिसमें सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अभी सारे के सारे फीचर्स इसमें इंक्लूड नहीं है। ये आपके ऐड रोड एंड फीचर्स, रिमूव रोड एंड फीचर्स, ऐड सर्वर, क्रिएट सर्वर, सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टी सारा कुछ आ गया। टूल्स पे सारे टूल्स आपको मिलेंगे जो भी हमने करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद व्यू में जब व्यू में जाएंगे तो लिखा ना आपके हाइड वेलकम टाइल, यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये जो वेलकम टाइल है आपका हाइड हो जाएगा। यहाँ से 100% जो भी आप बढ़ा भी सकते हो, आप इसको कम 100 में रहने देते हो चाहो तो आप कम भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से आप इसका ये देखिए कम कर सकते हो, बी में जाकर ये हेल्प ऑप्शन है। ठीक है, ये था आपका विंडो सर्वर पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको।